हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 31 से 37 तक। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वह सिदोन होकर और दोकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी अंगुलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, इफ़ता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे ये सब बातें किसी से नहीं कहें, परंतु वह जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब हम कुछ गलती करते हैं या किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो हमें शर्म आती है। हम उस व्यक्ति से अपना चेहरा छुपाते फिरते हैं। ठीक वही हाल आज के पहले पाठ में आदम और हेवा का है। वे ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर उनका विश्वास को तोड़ चुके हैं, इसलिए वे ईश्वर से अपना चेहरा छिपा रहे हैं। गलती करने के बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने महसूस किया कि वे ईश्वर को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह गए। उन्होंने प्रलोभन में पड़कर अपना जीवन ईश्वर से दूर कर लिया। हम भी अपने जीवन में एक दूसरे का विश्वास तोड़कर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दुनिया के प्रलोभन में पड़कर अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तब हम अपने आप को ईश्वर से दूर कर लेते हैं, क्योंकि प्रलोभन में पड़ने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम महसूस करते हैं कि हम अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। अतः हमें सदा ही ईश्वर की आज्ञाओं को ध्यान में रखना चाहिए और सदा उनका पालन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हम दुनिया के प्रलोभनों से बचे रहेंगे, साथ ही ईश्वर के समक्ष अपने को साफ दिल से प्रस्तुत करने के योग्य बने रहेंगे। आज के सुसमाचार में यीशु लोगों के द्वारा लाए गए एक बहरे गूंगे को अपने हाथों से छूकर चंगा करते हैं। यीशु ने बहरे के कानों में अपनी उंगलियां डालकर उसके कान खोल दिया, जीभ पर अपना थूक लगाकर जीभ का बंधन खोल दिया, जिससे वह मनुष्य सुन सका और बोलने में सक्षम हुआ। जिस प्रकार नबी इसायस के ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 5 में लिखा है,
तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। हम भी अपने जीवन में ईश्वर के वचन को सुनने और उसकी कृपा, दया, प्रेम और उसके अच्छे कर्मों को देख पाने में सक्षम नहीं है। यदि हम पूरे विश्वास के साथ उसके पास आएंगे तो हमें भी अपने वचन को सुनने और उसकी कृपा, दया, प्रेम और अच्छे कर्मों को देखने में सक्षम बनाएंगे। हमें भी वे सुनने और देखने की शक्ति और बल प्रदान करेंगे, और जब हम उनके वचनों को सुनने, समझने और उसके भले कार्यों को देख पाएंगे तो स्वतः ही हमारा मंदिर ईश्वर की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करने लगेगा। जैसा कि आज के सुसमाचार में लोग उस बहरे गूंगे को सुनते और बोलते देखकर यीशु की महिमा करने लगे। वे जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं।